नमस्कार, तिसला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। पिछले सत्र में हमने बात की थी हाफ नीलिंग, फुल पेल्विक कंट्रोल के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे पोजिशनिंग, स्टैंडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उससे पहले हमें क्या करना है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने बताया था आपको कि हाफ नीलिंग पोजीशन को कैसे मेंटेन कराना है। इसमें क्या है, कमर, कंधा और हाँ, ये इस पोजीशन पे आपको बच्चे को रखना है। इसमें मैंने बताया था आपको 90 डिग्री उसके पैर को रखना है, सामने वाले पैर को 90 डिग्री होना चाहिए, पीछे वाला पैल्विक से जो नीचे आ रहा वो 90 डिग्री होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग बैलेंस में, हमें कैसे उसको बैलेंस करना, बच्चे को कोऑर्डिनेट करना सिखाना है। जैसा कि बच्चों को हमने स्टैंडिंग में खड़ा किया है, लेकिन उसका स्पाइन अंदर की तरफ जा रही है, हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसके पोजीशन को पहले हम मेंटेन कराएंगे, करेक्ट कराएंगे, उसके ब्रेन में हम सिखाएंगे। देखिए हाथ बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको इनिवेशन करेंगे। पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें वर्बल कमांड ज़्यादा देना है, बच्चे से खुद बोलना है कि कंट्रोल करना, बेटा हाथ सीधा रखो, एकदम अंदर की तरफ करो, हाथ को रोको, गुड, फिर उसको होल्ड करना है। फिर क्या करना है, दोनों हाथ को हम खोजिए, गर्दन सीधी करो बेटा, ठीक। फिर थोड़ा सा एक पैर को हम आगे की तरफ करने के लिए बोलेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट साइड का पैर हम आगे बोलेंगे थोड़ा सा, ये इस पोजीशन को हम मेंटेन कराएंगे, ठीक है। लेफ्ट पैर का आगे की तरफ बोलेंगे करने के लिए, ठीक है, और हाथ को गर्दन सीधी करो बेटा। वर्बल कमांड का हमें ध्यान देना है कि वर्बल कमांड ज़्यादा देना है, बच्चों को करेक्ट करना है, इस पोजीशन को उसको पहले मेंटेन कराना है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा होल्ड करने लगे तो हमें उसके रीच ऑब्जेक्ट पे काम करना है। अभी हमने पेल्विक को और उसके हाथ को कंट्रोल करना उसको बताया, और उससे बार बार बोलना कि हाथ को रिलैक्स रखे, जो आपका हाथ का जो प्रेशर है उसको धीरे धीरे कम करना है, और बच्चे से बोलना है रोकने की कोशिश करो बेटा, कंट्रोल रखो, सामने की तरफ देखो, ध्यान दो, ठीक। इससे उसका अपर का, पेल्विक का और स्टेबिलिटी, जो पैर का मूवमेंट सबसे पहले सेशन में दिख रहा था वो कंट्रोल आएगा। सामने की तरफ देखो बेटा, ये मुट्ठी खोल के रखो, उंगली फिंगर ओपन रखो, फिंगर ओपन करो, ये हर एक मूवमेंट को, हर एक जगह आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हमें कहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, कैसे हमें कंट्रोल कराना है। पहले हमें वर्बल कमांड देना है, नहीं हो रहा है तो हमें उसका इनिविशन करना है, उसको होल्ड करवाना, करके रखना है कि बेटा मूवमेंट मत करो, उसको होल्ड करके रखो, हिलो नहीं, ठीक है। इसको हम पाँच से सात बार, नीचे लाओ बेटा हाथ को, धीरे से नीचे लाओ, हाथ साइड बगल में लाओ, गुड। फिर एक बार और फिर उठवाएंगे हम सामने की तरफ, देखो बेटा बॉल पे हाथ रखो, गुड, कंट्रोल कराएंगे। इसको पाँच से सात बार हम करा सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ, जो भी कराना है बच्चे को बताते हुए, बोलते हुए, उसको वर्बल कमांड देते हुए कराना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पोजिशनिंग, पहले पोजीशन को मेंटेन कराना सिखाना है बच्चे को, फिर पोजीशन के बाद उसको रीच ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है, बच्चे को वर्बल कमांड देना है। अटैक्सिक सर्वल पॉलिसी में आपको कंट्रोल कराने के लिए उसके ब्रेन को आपको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, बार बार सिखाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। जैसा कि मैंने क्या किया कि एक पैर को लेफ्ट राइट, लेफ्ट पैर को मैंने बाहर करा और लेफ्ट हैंड को फुल्ली कंट्रोल किया, लेफ्ट साइड उसका मूवमेंट ज़्यादा है, उसको मैंने वर्बल कमांड दिया कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल हो रहा तो इनिविशन किया, मैंने उसके फिंगर के मूवमेंट को, उसके रिस्ट के मूवमेंट को इनिविश किया, और फिर मैंने उसको रीच अपडेट कराया राइट साइड से, राइट साइड से बॉल पे पाँच से सात बार हमने उसको कराया। उसके बाद जब हम राइट साइड पे काम कर लिए तो पाँच से सात बार जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे लेफ्ट साइड, तो पाँच से सात बार हमें लेफ्ट साइड पे उसको सेम पोजीशन पे काम करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडिंग बैलेंस के पहले हम पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, मैंने सारे अपने वीडियो पे बताया है कि हमें सर्वल पॉलिसी की समस्या अलग अलग तरीके की होती है, हमें सेम थेरेपी सभी बच्चों पे नहीं कर सकते हैं, जैसी समस्या है उसके हिसाब से उसका असेसमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट प्लान सेट होता है। उसके लिए आप बिना कंसल्ट किए आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने बच्चों पे मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम कुछ और रहे, और थेरेपी अगर आप कुछ और दे रहे हैं तो उससे समस्या बढ़ सकती है। इसलिए बिना कंसल्टेंसी के, बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस तरह का ट्रीटमेंट मत करिए। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए।
आप लोग YouTube चैनल पे बने रहें, अगले सेशन में हम लोग स्ट्रेटनिंग बैलेंस को फिर लेके आप लोगों के सामने आएंगे। धन्यवाद।